हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रायंगल चल रहा है हमारा। ट्रायंगल के अंदर बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस चल रहा है। उसके अंदर एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी वो यहाँ पर प्रूफ करना है, और जो वहां पर प्रूफ करना था वो गिवन थी। कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो दिया है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंटरसेक्ट ईच अदर एट the point O such that AO upon BO is equal to C upon DO, DO to show that ABCD is a trapezium. पिछले क्वेश्चन में जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें ट्रेपेजियम गिवन था और हमें रेशियोज को इक्वल प्रूव करना था डायगोनल्स के, लेकिन इस समय डायगोनल्स का रेशियोज इक्वल दे रखा है और हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले गिवन पार्ट में चलते हैं हम लोग। गिवन पार्ट गिवन में सबसे पहले देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल की बात की है तो एक क्वाड्रिलेटरल हम यहां ड्रॉ करेंगे। हमें ट्रेपेजियम शो करना है तो ट्रेपेजियम की शेप कैसे करेंगे, बट अब ये ट्रेपेजियम नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, नॉमिनेट कीजिए ए बी सी एंड डी डायगोनल्स, सी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ओ पॉइंट पर। ओके अब गिवन पार्ट है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देखिए आप ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, सी ओ को इस तरफ ले जाते हैं, बी ओ दोनों को क्रॉस करते हैं, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू डी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, सी ओ इधर आ गया और बी ओ उधर चला गया। ओके कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब सीधा बन गया ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, अब क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव में हमारा आएगा, प्रूविंग में आएगा टू प्रूव में कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। दोस्तों ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल की कोई भी टू अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करना होता है, वो अपने आप ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम की खासियत होती है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम का होता है जब उसकी पेयर ऑफ कोई भी एक अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, ओनली वन साइड, दोनों की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी प्रूफ कर दें, डी सी सी डी एक ही बात है, ए बी पैरेलल टू डी सी प्रूफ कर दें तो हमारा ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम यही करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन के पार्ट पे जाते हैं हम लोग, क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें। कंस्ट्रक्शन में हमें यह ध्यान रखना है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी के पैरेलल या डी सी के पैरेलल। सपोज मैं ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं जो कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ई ओ, ड्रॉ किया मैंने ए बी के पैरेलल, ई ओ पैरेलल टू ए बी। अब हमारा टारगेट ये है कि ई ओ पैरेलल ए बी कंस्ट्रक्शन में है और ई ओ पैरेलल डी सी में कर दूंगा, फिर क्या करें, कह सकते हैं कि EO पैरेलल AB है और EO पैरेलल DC हो जाएगा, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हो गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्रूफ में, प्रूफ पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसके अंदर, अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, आगे काम आएगा। इन ट्राइंगल ABD इसकी बात करूंगा, इन ट्राइंगल ABD दिख रहा है फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल ABD आपको गिवन है EO पैरेलल टू AB, व्हाई, बिकॉज अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के थ्रू EO पैरेलल टू AB। तो आप जानते हो BPT थ्योरम हमारी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इन एनी ट्राइंगल a line parallel to one side divide remaining two sides in equal ratios। अगर आपको नहीं पता है BPT थ्योरम तो हमारे पिछले लेक्चर में चले जाइए, बिल्कुल प्रूफ कर रखा है इसको फ्रेंड्स। तो मैं खाली यहां लिखूंगा बाय BPT, BPT
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, डायग्राम में आ जाइए, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, ई ओ पैरेलल टू ए बी हो गया, देयरफॉर रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो से डिवाइड करेगा। तो हम बात करें, अगर सपोज समझ लीजिए ट्रायंगल मैं इसको हटा दूं, फिर साफ दिख रहा है आपको ए बी डी में ई ओ पैरेलल टू ए बी है, तो हम कह सकते हैं ए ई अपॉन ए ई अपॉन डी ई, डी ई इक्वल टू बी ओ बी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर फ्रेंड्स, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, किसके थ्रू, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू। याद है, क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब मैं इक्वेशन वन और टू को जब मैं कंपेयर करता हूं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। देखिए, इक्वेशन वन में आपको क्या गिवन है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन डी ओ। यहां देखिए, ये पार्ट यहां पर भी आ रहा है, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, मतलब बी ओ अपॉन डी ओ दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दिस रेशियोस इज इक्वल टू दिस रेशियोस। मैं इसको एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं, देखिए, ए ओ अपॉन डी सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब हम इसको यहां से एलिमिनेट कर दूं, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, दिस इज ओके। इसको मैं बाद में यूज करने वाला हूं, अभी याद है, क्लियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा कि ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, कुछ भी बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी बोलिए या ए सी डी बोलिए, आपकी इच्छा। इसमें देखिए आप, ए डी सी में ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए E अपॉन डी ई, ये कहां से बोलेंगे, बाय इक्वेशन थर्ड, थर्ड के थ्रू हम कह सकते हैं, या भी हमने प्रूफ किया है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए अपॉन डी। देखिए दोस्तों, ए ओ अपॉन सॉरी ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए अपॉन डी। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट को भूल जाइए आप, खाली ये ट्रायंगल याद रखिए, ये भी हटा देता हूं, खाली ये वाला ट्रायंगल याद रखिए, ए डी सी में ए ई ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू डी ए ई अपॉन डी ई, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, मतलब कि इस साइड और इस साइड, मतलब ए डी अपॉन ए सी, ए डी और ए सी साइड के रेशियोज जो है इक्वल है, मतलब कि ई ओ जो है आपको ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के कन्वर्स से मैं बोल सकता हूं कि ई ओ पैरेलल टू डी सी। क्लियर फ्रेंड्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्स यही कहता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पिछले लेक्चर में जाइए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को देखिए, ध्यान से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ओ बी पी पी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। क्लियर याद है फ्रेंड्स, अब सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा आ गया एक, ये देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये हमने बोला था बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ था ये चीज, EO parallel to AB। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, EO DC के भी पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, पैरेलल, मतलब यही लाइन किसी दूसरी लाइन के और थर्ड लाइन के भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे। यहां डायग्राम में देखें, EO parallel to AB and EO parallel to DC, therefore AB parallel to DC, क्या बोल सकते हैं, therefore AB parallel to DC। क्लियर फ्रेंड्स, AB parallel to DC, hence हमने क्या कहा था, AB parallel to DC या CD बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, hence ABCD is a trapezium,
क्लियर फ्रेंड्स, कोई डाउट है यहां तक? नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न के अंदर, ये मैंने कुछ हटा दिया तो आप ऐसे मत कीजिएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हटाया था। ओके, डायग्राम बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न में। कहीं कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करके पूछिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है? और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्डअप हो और अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।